नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कैलाश यादव। साथी उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है। और एक खुशी की बात है कि कॉर्बेट प्रशासन को जैसे ही अनुमति मिली बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कान्या क्षेत्र में, पिछले 2 हफ्तों की अगर बात करें तो 5 से ज्यादा मवेशियों को बाघ निवाला बना चुका है अभी तक। और उसके बाद कॉर्बेट प्रशासन ने फुर्ती दिखाते हुए उस बाघ को देर शाम लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में ट्रैंकुलाइज कर दिया है। और लगभग 2 बाघ हैं और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर डीएस पांडे। सर स्वागत है उत्तराखंड की आवाज में। धन्यवाद सर। पहले तो बधाई की बात रहे आप लोग, और जैसे ही अनुमति मिली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से और बाघ को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, करीब 2 सप्ताह से लगातार कान्या क्षेत्र में बाघ की उपस्थिति देखी जा रही थी, जो आबादी क्षेत्र है। तो ये सूचना हमें लगातार प्राप्त हो रही थी और स्थानीय स्टाफ को हमने सतर्क कर दिया था। एक संयुक्त गश्त भी वहाँ पर हमने शुरू करवा दी थी, साथ ही साथ कैमरा ट्रैक भी लगा दिए थे बाघ को ट्रैक करने के लिए। तो लगभग 7-8 दिनों में 5 घटनाएं वहाँ हुई जिसमें मवेशियों की क्षति हुई। और उस बात को अभी जो तो 2 तारीख की जो घटना हुई उसके पश्चात कैमरा ट्रैप में इमेजेस हमें प्राप्त हुई, उसके एनालिसिस के बाद हमने उसको चिन्हित कर लिया और मुख्यमंत्री जी प्रतिपालक महोदय से हमने उसकी अनुमति प्राप्त की ट्रैंकुलाइज कर शुरू करने की। उस मादा बाघ के साथ एक शावक भी देखा गया। तो जब जैसे ही हमें अनुमति प्राप्त हुई तत्काल एक ऑपरेशन प्लान किया गया कल शाम को, और देर रात्रि इस मादा बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया उसके शावक के साथ। दोनों बाघ अभी स्वस्थ हैं, उनकी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है, उनके DNA सैम्पलिंग भी हमने ले लिया है और रिलेटेडनेस निकालने के लिए उसको हम संबंधित संस्था को भेजेंगे। इसके साथ साथ क्षेत्र में अभी हमने स्टाफ को मौजूद रहने की यथावत बने रहने की हमने निर्देश दिए हैं। कैमरा ट्रैप्स भी हमारे अभी लगे रहेंगे और हम लोग अभी भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे क्षेत्र में जब तक कि हम आश्वस्त नहीं हो जाते कि सारी स्थिति नियंत्रण में आ गई। साथ ही साथ जो स्थानीय जनमानस है उसका भी हमें बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ क्रिएट नहीं हुई, जबकि हम जानते हैं कि ये बहुत कठिन समय था सभी के लिए। लगातार बाघ जो है वो आबादी क्षेत्र की तरफ आ रहा था और स्थानीय निवासियों को भी के लिए भी बहुत गंभीर एक चुनौती बनी हुई थी। तो वन विभाग ने इस बात को समझा और हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं जो ग्राम प्रधान हैं और जो स्थानीय लोग हैं कानिया क्षेत्र के, उनका पूरा सहयोग इस ऑपरेशन में हमें मिला है। लेकिन उम्मीद हमें यह है कि इसके बाद इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होंगी। और साथ ही जनमानस से हमारी अपील भी है, यदि इस प्रकार की कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस टाइगर्स के या लेपर्ड्स के आबादी क्षेत्र के आसपास देखे जाते हैं तो तत्काल जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर, टोल फ्री नंबर है उस पर सूचित करें, वेबसाइट पे वो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर सूचित करें और स्थानीय स्टाफ या चौकी में हमारा जो स्टाफ मौजूद रहता है उसको ज़रूर बताएं। और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर शाम को या जल्दी सवेरे ना निकलें। देखिए, जितना हम बाघ के समीप नहीं जाएंगे, जितना कंसंट्रेशन नहीं होगा, उतनी ही कर पाएंगे। साथ ही साथ कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि बाघों की संख्या निरंतर इस लैंडस्केप में बढ़ रही है। सर, क्या कारण रहा होगा कि ये बाघ आबादी के पास में और ईजी शिकार की तलाश में आ रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में और उसके आसपास जो तराई लैंडस्केप है इसमें बाघों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में निरंतर इजाफा हुआ है। ये अच्छे प्रोटेक्शन का तो प्रमाण है, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं और इन चुनौतियों में मानव वर्गीय संघर्ष एक ऐसी चुनौती है जो जिसके बहुत सारे पहलू होते हैं, इसके सामाजिक पहलू हैं, इसके टेक्निकल पहलू हैं, तकनीकी पहलू हैं और बिहेवियरल पहलू हैं, व्यवहार बाघों का किस प्रकार है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरीके की चुनौतियाँ लगातार हमारे सामने आ रही हैं। गत वर्ष भी इस प्रकार की घटनाएँ धनगढ़ी क्षेत्र में हुई थी और कानिया क्षेत्र में जो घटना हुई कोई नई नहीं। तो इन बातों को हम लोग इस पर विचार भी कर रहे हैं किस तरीके से इनको हम लोग कम कर पाएँ, क्या ऐसी तकनीक हम लोग यूज़ करें कि जिससे इन संख्याओं को हम लोग संघर्ष की संख्याओं को हम लोग कम कर पाएँ। इसमें सबसे बड़ा पहलू यह है कि जो स्थानीय निवासी हैं उनको इस बात के बारे में बताना कि किस तरीके से अपने व्यवहार में वो परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि हमारा संघर्ष और आसपास में जो कन्फ्रंटेशन है टाइगर और लेपर्ड्स के साथ वो कम हो सके। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी शुरू किया है लिविंग विद टाइगर्स के नाम से, जिसे लगभग 5-6 महीने से हम लोग चला रहे हैं और इस उम्मीद हमारी यही है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से स्थानीय जनमानस अवेयर हो सकेगा
कि किस प्रकार से आसपास के क्षेत्र में झाड़ी साफ करके या बिजली और सोलर लाइट की व्यवस्था सुचारू रखें, और अनावश्यक रूप से शाम के समय वन क्षेत्रों के समीप न जाकर हम संघर्ष की घटनाओं को कम कर सकते क्या कारण रहते हैं कि सितंबर से फरवरी के बीच में मानसून के बाद से ऐसी घटनाएं, मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं या इस तरीके की घटनाएं बढ़ जाती हैं? हमने लगातार देखा है पिछले कई वर्षों में, क्या कारण रहते हैं इसके? हैं। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि टाइगर्स की संख्या बड़ी है, और साथ ही साथ जो बफर और कोर का कॉन्सेप्ट पहले हुआ करता था कि कोर जोन जो इन्वॉल्वेड था, जहाँ पे टाइगर्स को डिस्टरबेंस नहीं होता था, और आसपास के बफर जोन जहाँ पे आबादी भी रहती थी और लोगों के हक हकूक भी बने रहते थे, उस क्षेत्र को बफर कहा जाता था। वहाँ पर टाइगर्स की संख्या उतनी नहीं होती थी जितनी कि कोर जोन में होती थी, और टेरिटरी का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अभी पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि टाइगर्स में होम रेंज और टेरिटरी मार्किंग और साथ ही साथ कोर और बफर में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। कॉर्बेट में जितने ब्रीडिंग टाइगर्स बफर में मौजूद हैं, लगभग कोर में भी मौजूद हैं। तो टाइगर्स की प्रेजेंस लगभग कोर और बफर में समान रूप से देखी जा रही है। संख्या में बढ़ोतरी के कारण क्या हो रहा है कि टाइगर्स की जो पुराने ओल्ड टाइगर्स हैं वो पेरिफेरी की तरफ पुश हो रहे हैं, और साथ ही साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ शिकार आसान शिकार की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो ये कारण हो सकता है कि कान्या में जो लगातार 5 पशु क्षति की जो घटनाएं हुई, उसमें कहीं पर भी उस टाइग्रेस ने किसी आदमी पर अटैक नहीं किया, लेकिन लगातार पशु क्षति की जिस प्रकार घटनाएं हुई है लगातार पिछले 1 हफ्ते के अंदर, तो जो पैटर्न हम लोगों ने देखा वो चिंताजनक था, और एक आशंका जनहानि की बनी हुई थी लगातार। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय दिया गया बहुत विचार करने के उपरांत, इसको टाइगर को रेस्क्यू कर वहाँ से हटाया जाए, और उस क्षेत्र को जो है लगातार वहाँ जो टाइगर की प्रेजेंस दिख रही है वो उससे स्थानीय जनता की को भी नुकसान होने की संभावना बनी हुई थी, तो उसको हमने तत्काल टैकल किया और उसको वहाँ से हटाया गया। इजी प्रेड आपने देखा है, धनगढ़ी वाला जो क्षेत्र है, जो हमारा नेशनल हाईवे है, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रकार के पशु जो दूध देना बंद कर देते हैं, लोग उनको वहाँ छोड़ देते हैं, तो टाइगर के लिए बहुत आसान शिकार होता है कि वो रोड पे आते उसे मार मार दे और खा ले। तो वो हिरन और सांबर और चीतल की तरफ ध्यान ना देकर वो इस प्रकार के जानवरों की तरफ अधिक आकर्षित हो रहा है। सर, कहीं ना कहीं रानीबाग की बात करें रेस्क्यू सेंटर की, या रामनगर के ढेला जोन की बात करें, ढेला जो हमारा रेंज है उसमें रेस्क्यू सेंटर की बात करें, तो वो भी फुल हो चुकी है, तो ये भी चिंता का विषय है। देखिए, कोशिश हमारी वही रहती है कि जो रेस्क्यू सेंटर का उद्देश्य वही है कि इस प्रकार से जो आपात परिस्थितियों में जो बाघ या लेपर्ड जिनको रेस्क्यू किया जाता है उनको रखने का एक स्थान बने, जहाँ पर उनकी अच्छे ढंग से इलाज हो सके, और यदि कोई दिक्कत है तो वहाँ पर उसको उसका निदान किया जा सके। ढेला रेस्क्यू सेंटर पिछले कई सालों से इस समस्या के समाधान में हमारी पूरे उत्तराखंड वन परिवार की, जो हमारा वन विभाग लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर लेपर्ड और टाइगर वहाँ से वहाँ पर लाए जा रहे हैं, और हमारी टीम लगातार उनका नियमानुसार इलाज भी कर रही है और अच्छा उनका भी देखभाल वहाँ पर हो रही है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएँ हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि जिस प्रकार की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं उनको इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना आवश्यक है कि किस प्रकार से कैरिंग कैपेसिटी को भी हम लोग देखें वन क्षेत्रों की, और साथ ही साथ जो कॉरिडोर हैं उनकी कनेक्टिविटी पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि यदि हम जानवरों को आने जाने की जगह देंगे, दो वन क्षेत्रों को जुड़ने की जगह देंगे और उनको मूवमेंट करने का स्थान मिलेगा, तो कॉरिडोर कनेक्टिविटी के माध्यम से, एक लैंडस्केप प्लानिंग के माध्यम से इस समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। कहीं ना कहीं सर विरोध देखा गया, उसके बाद ग्रामीण आस खुश भी हैं, क्षेत्रीय ग्राम जो ग्राम प्रधान है उनसे मेरी सुबह बात हुई तो खुश भी हैं वो लोग कि आप लोगों ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए कल अनुमति मिली और आज रात उसे पकड़ लिया गया। तो सर क्या आप लोगों को एक अपील करना चाहते हो आगे इन ग्रामीण क्षेत्रों? देखिए, सबसे पहले तो स्थानीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, जो वहाँ के हमारे माननीय विधायक जी ने लगातार हमारी बात होती रही, विधायक जी भी इस बात से चिंतित थे कि इसको किस तरीके से इस प्रकार इस समस्या का समाधान हो सके, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि तत्काल नियमानुसार इसका हम समाधान कर पाएँ, और जो बेस्ट हमारी एबिलिटी है उसको हम उसका हम यूज़ करें। इसमें स्थानीय जनमानस का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि देखिए लोगों के सहयोग के बिना ये सब कार्य किया जाना उतना संभव नहीं होता है। तो आपके माध्यम से एक तो उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कान्या क्षेत्र की जनता है जिन्होंने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया है, और साथ ही साथ ये अपील भी करना चाहते हैं कि देखिए मानव वन्य संघर्ष एक ऐसी चुनौती है जिसका मिलकर ही हम लोग सामना कर सकते हैं। वन विभाग या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन यदि चाहे कि ये खुद ही अकेले सब कुछ कर ले, ये संभव नहीं है, हमें स्थानीय जनमानस का सहयोग, और हम अपील करना चाहते हैं कि
जो हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, सह अस्तित्व की बात करते हैं, देखिए जानवरों के साथ हमें रहना है, रामनगर और उसके आसपास के क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वो टाइगर पर डिपेंडेंट इकॉनॉमी है, बहुत सारे लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है टाइगर के माध्यम से और टूरिज्म के माध्यम से, उस बात को भी ध्यान में हमें रखना है। और साथ ही साथ जो सह अस्तित्व की हम बात करते हैं कि इसी लैंडस्केप में हम लोग भी रहें और टाइगर भी इसी लैंडस्केप में रहे, उस बात को भी ध्यान में रखना है, उस बात को भी हम लोग पहचाने, इसकी महत्ता को भी पहचाने, क्योंकि देखिए सिचुएशन बहुत चुनौतीपूर्ण होती है जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं या संघर्ष की घटनाएँ बढ़ती हैं, तो इस बात को के परिप्रेक्ष्य में हम उनका धन्यवाद भी अदा करना चाहते हैं और उनसे अपील भी करना चाहते हैं कि एक कोएग्जिस्टेंस की जो हमारी पॉलिसी है उस तरफ भी वो लोग बढ़ने का प्रयास। तो हमारे साथ थे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे जी।